a moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment, we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. हिंदुस्तान की आजादी की कहानी। मिला नहीं हमें हिंदुस्तान तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। हेलो, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अनवर हुसैन। हमें 15 अगस्त तो याद है, लेकिन उससे पहले की कुर्बानी हम भूल गए। ऐ मेरे हम वतन, हमारा वतन हिंदुस्तान वो वतन नहीं जो यहाँ बसने वालों को विरासत में मिला। ये मुल्क हिंदुस्तान 200 साल तक गुलाम रहा, आजादी हर व्यक्ति का सपना था। इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से संग्राम, क्रांति, जंग आजादी की शुरुआत हुई और आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। हिंदुस्तान की बुनियादें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की हड्डियां ईंटों की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ है। इस कदर गिरा तखलीक का अंदाजा वही लगा सकता है जिसने तन मन धन, बीवी बच्चे भाई और बहन, अपने अजीज व अकारीब को कुर्बान किए। हिंदुस्तान की आजादी के लिए लाखों हिंदुस्तानियों ने जाम शहादत नोश किया। बेशुमार माओं के सामने उनके बच्चे को कत्ल कर दिया गया। बेबसों के सामने पूरे खानदान को मकान में बंद कर नजर आतिश कर दिया गया। पाक दामनों ने नहरों और कुओं में डूब कर अपने हिंदुस्तान की कीमत अदा की। बेशुमार बच्चे यतीम हो गए जो पूरी उम्र अपने वालदैन की शफ़क़त और मोहब्बत के लिए तरसते रहे। आज हर किस्म की आज़ादी, समान और आसाइश और आइस मुहैया है, मगर ये कभी ना भूलें कि इसमें टीपू सुल्तान का खून, सर सैयद का निगाह दूरबीन, अल्लामा इकबाल के आसार व अफकार, महात्मा गांधी की गांधीगिरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रणनीति और भगत सिंह की बहादुरी शामिल है। इनका मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ आजाद खुद मुख्तार ममलकत का हुसूल, ताकि हम सब एक साथ मिलजुल कर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकें। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख ही नहीं, बल्कि आजादी के जश्न का वो दिन है जिसके लिए कितने वीर कुर्बान हुए और ना जाने कितने ही महानायक जेल गए। इसी के साथ इस हिंदुस्तानी की तरफ से आप सबको आजादी मुबारक। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।